दिल्ली के स्पेशल स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र पहलवान के निर्देशन में गठित एक विशेष पुलिस टीम ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आतंक बने 25,000 के इनामी खूंखार अपराधी हरेन प्रधान को मुठभेड़ के बाद आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी के पास से एक कार्बन, 10 जिंदा कारतूस, एक देसी पिस्टल बरामद की खबर है। शातिर बदमाश अपनी कार में नोएडा से मेहरोली की तरफ जा रहा था, तब पुलिस ने एमबी रोड से उसे गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस टीम ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की। दोनों तरफ से 5 राउंड गोलियां चलने की खबर है। घटना में सब इंस्पेक्टर योगेश तनवर और एक अन्य हेड कांस्टेबल घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले इस अपराधी पर डकैती, लूट, पुलिस मुठभेड़, गैंगस्टर और हत्या सहित दर्जन से अधिक संगीन मामले अनेक थानों में दर्ज है। हाल में ही 15 अप्रैल को नोएडा के एक बड़े बिल्डर मोती गोयल के मर्डर में इसके शामिल होने की खबर मिली थी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।